अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट से, और ब्रेकफास्ट में मैं बनाने लगी हूँ और ऑमलेट, जिसमें बहुत ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स में डाल रही हूँ, कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर, और साथ में ग्रीन चिली, और साथ में प्याज और नमक, और साथ में ब्लैक पेपर और ह्यूमन सीड्स डाले हैं मैंने। और मेरा दिल था कि मेरे पास ग्रीन अनियन होते तो वो भी मैं डाले, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी डाला था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ग्रीन ग्रीन लग रहा था। अब थोड़ा सा ऑयल डालना है तवे पे, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बट मैंने इसको डाल दिया। एंड देन इसके ऊपर डाल देना है अंडा, और अंडा बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था क्योंकि पहले तो मुझे ऑमलेट पसंद नहीं था, लेकिन अब मैं मेक्योर करूँगी कि मैं रोज ही ऑमलेट खाया करूँ। और साथ में मैंने पराठा नहीं था बनाया, छोटी सी रोटी बनाई थी, और साथ में जो मैंने चिकन मिंस फिले पैटी है वो बनाई हुई थी, तो वो मैंने एक साथ ट्राई करी थी। उसका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ज़्यादा सारी। अभी मैंने तकरीबन थोड़ी सी बनाई थी, 6 बनी थी, और साथ में मैं पानी लूँगी क्योंकि मैंने जूस तकरीबन आधे घंटे पहले पी लिया था। और अभी मैं सिर्फ नाश्ता ये करूँगी, और नाश्ता करने के बाद फिर मैं करूँगी लंच, शायद करूँ शायद ना करूँ। तो अभी मैं इसको ट्राई करती हूँ कि कैसा बना लेती, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यम्मी था। और इसमें आपका प्रोटीन भी आ गया, हफ्ते कार भी आ गए हैं, और साथ आपकी वेजेस भी आ गई, वेजिटेबल्स भी, तो ये प्रॉपर मील है। और ये ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा है, अगर जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते तो वो लंच में भी ले सकते हैं। और अगर कभी कभी और देखिए कितना बैग से जा ही जाता। तो अभी मैं ये लंच मैंने नहीं किया था, तो रात को ये मैं बनाने लगी थी आलू के पराठे और साथ में यम्मी सा योगर्ट। तो आलू के पराठे में देख सकते हैं मैंने रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक, क्यूमन सीड, कोरिएंडर सीड और सॉल्ट डाला है, और साथ में ये हरी मिर्चें, प्याज और धनिया डाल दूँगी ताकि उसके पराठे बन जाए। और साथ में ये दही में मैंने धनिया पुदीने की चटनी की क्यूब डाली है, और साथ में खीरे और थोड़े से प्याज डाल दूँगी। और ये भी पराठे बहुत ज़्यादा यम्मी बने थे, कुछ दिल नहीं कर रहा था बनाने को, तो फिर सोचा यही बना लूँ क्योंकि कभी कभी दिल करता है चटपटी चीज़ खाने को इसलिए। और साथ में मैंने थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ किया था, तकरीबन 2-3 ड्रॉप हो गए लेमन के। और अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट, और अगर आपके पास ग्रीन चटनी नहीं है तो आप कोरिएंडर पाउडर और साथ में ब्लैक पेपर और जीरा भी डाल सकते हो। देखिए मैंने कितना यम्मी पराठा बनाया, और बहुत टेस्टी पराठा बना था, और शुक्र है इस बार मेरे पराठे में थे। और देखिए मैंने कितना ज़्यादा बड़ा पराठा बनाया। तो ये है वो पोटैटो जो मैंने बनाया था, और देखिए मैं एक्स्ट्रा वो लगाती हूँ उसके ऊपर वो डस्ट। और अगर आपका बहुत बड़ा पराठा हो और आपको समझ नहीं आ रहा ऑयल कहाँ से डालना, तो आप हाफ साइड को बैंड करके उसके ऊपर डाल सकते हो। और साथ ही यम्मी सा मिल्क शेक भी बना लिया था, और अपने लिए मैंने थोड़ा सा बनाया था क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा दिल नहीं था कर रहा मिल्क शेक पीने के फर्स्ट टाइम। तो इसके अंदर थोड़े थोड़े से ये क्रंच कैरी पीसीस भी आ गए थे मैंगो के, तो ये इजीली मेरे स्ट्रॉ में आ गए थे क्योंकि मेल्ट तो हुए हुए थे। तो उसके बाद बारी आ जाती है नेक्स्ट डे की। तो नेक्स्ट डे मैंने लंच में ये बना लिया था अपने लिए क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ जूस पी लिया था। तो अभी मैंने लंच में ये बनाया था कि मैंने सारी जो सब्जियां हैं, मतलब प्याज, टमाटर और ग्रीन चिल्ली और फ्रेश कोरिएंडर को डाल दिया था, और इसके अंदर और क्या चीज़ें डाली थी, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डल गया है, लेकिन अब मैं इसको वेस्ट नहीं कर सकती,
इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। और तकरीबन मैंने एक प्याज डाला था, एक स्मॉल साइज़ का प्याज है, ये मीडियम नहीं है, और साथ में हाफ कट किया था मैंने टमाटर, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि इस तरह का ये जो तवा मसाला बनता है प्याज का वो बना के खाऊं, विद चिकन मिन्स फिले पॉकेट, वो मैंने रख ली थी क्योंकि मुझे इतनी पसंद है, और क्योंकि मैंने दो अपने हस्बैंड के लिए रख दी थी, और पीछे एक मैंने खा ली थी और एक रह गई था, और एक अगर हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो उनको फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना दूँगी, सेम ऐसा ही जो मैं अभी लंच में कर रही हूँ। अभी हल्का सा आपने इसको स्टोर फ्राई करना है, इतना डीप फ्राई नहीं करना, मतलब इसे बहुत ज़्यादा सारा ऑयल नहीं इस्तेमाल करना, अगर आपके पास देसी घी है तो वो तो बेस्ट है कि आप इस पर डाल दें, अगर आप बटर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, ऑयल बटर या देसी घी। तो इसके बाद इसमें ज़्यादा सारे ब्राउन नहीं करनी है मैंने, मुझे स्टोर फ्राई में कच्ची कच्ची सब्ज़ियाँ चाहिए थी तो इसलिए, और साथ में थोड़ा सा टमाटर, क्योंकि टमाटर मुझे मेरा ऑल टाइम फेवरेट नहीं होता, लेकिन आजकल मैंने आदत डाली है कि मैं उसको भी ऐड करूँ अपनी ये डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा, और इसलिए मैं इन सब्जियों को स्टर फ्राई करके बनाऊँगी ताकि ये कच्ची कच्ची खाई जाए, और उसको मैंने इतना ज़्यादा पकाया था, थोड़ी सी मैंने ब्लैक पेपर डाली है, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाला है मैंने, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके, और फिर मैंने इसके ऊपर धनिया और हरी मिर्चें डाली थी। और देखिए अभी मैंने अपने फेवरेट मसाला बॉक्स के अंदर से ये सारी चीज़ें निकाल के डाली, और आजकल मौसम भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि बारिश हो रही है, और जिसकी वजह से मेरे कपड़े जो मैंने कल धो के डाले थे वो भी अभी पड़े हुए हैं, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से ड्राई नहीं हुए, तो अभी भी मैंने बालकनी में ही रहने दिए थे, क्योंकि ट्राउज़र वगैरह थे वो अभी तक स्टिल ऐसे ही हैं। तो अब मैंने इसके अंदर धनिया और हरी मिर्चें डाल दी हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था खाने में, और मेरा दिल कर रहा था तो मैं और ज़्यादा बना ली थी, लेकिन फिर मैंने नेक्स्ट डे के लिए रख दिया, और देखिए इतना ज़्यादा प्याज मैंने पकाया नहीं है। और मौसम के बारे में बात कर रही थी, तो मौसम आजकल अच्छा है, और कपड़े जिस वजह से मेरे ड्राई नहीं हो रहे और ट्राउज़र वगैरह हैं तो वो मोटे होते हैं, तो फिर वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं होते, तो फिर मैंने अगेन उनको उधर ही रहने दिया, लेकिन अगर रात को बारिश हो जाएगी तो वो दोबारा भीग जाएंगे। और ये जो मैंने चिकन मिन्स फिले पॉकेट टिक्की जो बनाई थी, पॉकेट फिले टिक्की कह सकते हैं आप, वो बनाई थी, तो उसको भी फ्राई कर रही है, भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मंथ शेयर करूँगी आपके पास, या मे बी थोड़े व्लॉग्स के बाद शेयर करूँगी अभी, क्योंकि मेरा कोई दिल नहीं इनको दोबारा बनाने का, क्योंकि अब मैं कुछ और बनाऊँगी फ्रोज़न के लिए। मैंने कुछ थोड़े से बनाए थे लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, और अगेन इसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल डाल दिया है, इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छी तरह से तुम फ्राई हो जाओ। और फिर मैंने अपने लिए छोटी सी रोटी भी बना ली थी, और ये जो चिकन का कीमा है ये इतना अच्छा हो गया था, मैंने खुद ही घर में किया था कीमा, तो क्या कहते हैं, और ये आपको ये जो टिक्की है इसको डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ सर्व कर दूँगी, साइड पे मैंने लेमन रख दिए हैं, ये मोज़रेला चीज़ है मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने कहा इसको भी फिनिश करती हूँ, क्योंकि ये मेरा फुल हेल्दी प्लेटर तैयार हो गया लंच के लिए, तो मैं इसको इंजॉय करूँगी। मैंने सेम अपने हस्बैंड को नहीं दिया चिकन फिले के साथ कुछ दिया था सालन वगैरह, ये नहीं दिया, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉर्निंग अगर वो कहेंगे तो सैटरडे को उनको बना दूँगी।
और ये व्लॉग भी मैं सैटरडे को ही अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी मुझे, हाँ अभी तो मैं रिकॉर्डिंग ही कर रही हूँ। साथ में ये मैंने योगर्ट डाला था, योगर्ट में मैंने कोरिएंडर पाउडर और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला डाला या रेड चिली पाउडर डाला, और साथ में चिकम्बर डाला है। और अब मैंने अपने लिए थोड़ी सी कोक 500 ml वाली भी मंगवा ली थी। तो फिर ये सारी चीज़ें लेके चलते हैं बाहर, और बाहर बैठ के इंजॉय करते हैं अपना यम्मी सा लंच। मुझे बहुत पसंद है, और मैंने तकरीबन छोटी सी रोटी बनाई है। और ये मेरा डिनर अच्छा था, इसको खाने के बाद मुझे रात तक भूख नहीं लगी थी, और साथ ही मैंने कोक भी 500 ml वाली मंगवा ली थी। तो इसको भी पीने चाहिए एक छोटे से मेसन जार में डाल के। और इसकी इसमें डालने का फ़ायदा ये हुआ कि जितनी मैंने इसमें डाली थी मैंने उतनी ही पी, सॉरी, और मुझे इतनी ज़्यादा और क्रेविंग नहीं हुई कि मैं और ज़्यादा कोक पीऊँ। तो इसलिए अगर आप अपनी प्लेट का साइज छोटा रखेंगे तो फिर आपका दिल भी करेगा कम खाने को। अभी मैं इंजॉय करने लगी हूँ अपना मील। मुझे बहुत ज़्यादा यम्मी लगा था, मुझे इतना पता नहीं था कि ये बन के इतना ज़्यादा यम्मी होगा। तो प्लीज़ आप भी इस जो मेरी ये मैंने बनाया है चिकन मिंच फिले टिक्की और साथ में जो वेजिटेबल स्टर फ्राई हैं मिंच की थोड़ी सी सब्जियाँ उनको बनाए इसके साथ, और साथ में चीज डाली। आप भी जरूर ट्राई मैंने अपना डिनर सॉरी लंच कर लिया है फिनिश। एंड आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग जरूर पसंद आया था। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।